माधव, साले हरामखोर, कौन है ये? हेलो हेलो, बारिक बोल रहा हूँ भाई। क्या हुआ? अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर, लेकिन सिर्फ 3 बचे हैं भाई। बोलो कितने? भाई अकेला है वो। ये क्या था भाई? जानवर है, जानवर नोच रहा है, पागलों की तरह काट रहा है लोगों को। तू जहां पर भी है उसे अपने पास वाले पार्टी ऑफिस तक पहुंचा दे। उसकी चिल्लाहट को चीख में बदल देंगे। कोशिश करता हूं भाई। हाँ। क्या देखे राजपूत साहब, ना कोई कांड हुआ है ना एफआईआर हुआ है। अरे कुछ होने तो दो, फिर ना फायदा होगा। जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो नो एंट्री और सिग्नल के बाद खड़े रहना सीखो। पहले खड़े रहोगे तो सिर्फ हाथ मलते रहोगे। मेरा भाई कोई गुंडा नहीं है, बल्कि उसने तो फौज में रहकर देश की सेवा की है। मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए हैं। मैडम, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गुनाह दाखिल हो चुके हैं। अगर अब हम इन्हें छोड़ते हैं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ऊपर से बहुत सारा प्रेशर है। मेरी सिर्फ इतनी सलाह है आपको कि अच्छे से अच्छा वकील करिए आप। जल्दी से जल्दी इन्हें जमानत दिलवाइए, वरना मंडे तक इन्हें यही रहना पड़ेगा। सॉरी मैडम। ओ, तो तू है वो, छोड़ इसको। सर, इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब सिर्फ कोर्ट में जमानत हो सकती है। फाड़ के फेंक सर। जी सर। यस सर। सर क्या कर रहे हैं आप? सर आप ही ने कहा था कि नौकरी जा सकती है। अब आपकी नौकरी जाएगी नहीं, अब आपकी तरक्की हो जाएगी। और कुछ? और बाहर भेज इसे। सर आप चुप कर मेरे बाप।
तूने मेरे आदमी का हाथ तोड़ा, अब मेरे आदमी तुझे तोड़ेंगे। यस। जिनके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हो, उन्हीं को अपने पैरों तले कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद देते हो। शरीफ आदमी को बुजदिल समझते हो, इज्जतदार आदमी को कायर, ईमानदार आदमी को बेवकूफ। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो।